Dear viewers, assalamu alaikum. Today our topic is safe movement of people and vehicles in the workplace. और ये element 8 का 6th topic है जो आज हम discuss करने जा रहे हैं. इसके अंदर basically हम discussion यही करेंगे कि जो लोग workers हैं, उसके अलावा trespassers हैं, उनकी कैसे हम make sure करेंगे safe movement workplace के ऊपर, और उसके अलावा वर्कप्लेस पे यूज़ होने वाली व्हीकल्स जो हैं उनकी कैसे हम सेफ्टी कर सकते हैं. तो सबसे पहले टिपिकल रिस्क रिलेटिंग टू व्हीकल मूवमेंट्स. व्हीकल की मूवमेंट से क्या क्या नॉर्मली हमें रिस्क सामने आते हैं या जिन रिस्क का हमें सामना करना पड़ता है. नंबर वन, लॉस ऑफ कंट्रोल, के व्हीकल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया. कैसे? लॉस ऑफ कंट्रोल उसके रीजन है, एक ड्यू टू ड्राइवर एरर, ड्राइवर की वजह से, उसकी कॉम्पिटेंस की वजह से, या उसकी लाजमी नहीं कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंसी इशू हो. माइट बी पॉसिबल है कि उसकी कॉम्पिटेंस है लेकिन उसका जो उस टाइम पे ह्यूमन एरर है या लैक ऑफ कंट्रोल है वो, या उसकी नेग्लिजेंस जो है उसकी वजह से लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ. इन्वायरमेंटल इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल रेनी वेदर है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम, मैकेनिकल रीजन, कोई ब्रेक वगैरह फेल हो गई है, तो ऐसी सूरत में जब व्हीकल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता. नेक्स्ट, ओवर टर्निंग. ओवर टर्निंग होता है जी उलट जाना, लिटरली और लॉन्गिट्यूडनली, कि आपकी दाएं बाएं भी गिर सकती है और सीधी भी गिर सकती है. और ओवर टर्न जो है बेसिकली एक्सेसिव ब्रेकिंग या सामने कोई चीज या किसी टकराव की वजह से भी हो सकता है. देन कोलिजन, कोलिजन बोलते हैं जी टकराव को विद अदर व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस आर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स. कोलिजन जो है टकराव, पहली बात है अदर व्हीकल, दूसरी व्हीकल्स के साथ, पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वालों के साथ, या फिक्स्ड ऑब्जेक्ट. फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई पोल है, कोई वॉल, एग्जैक्ट्रा कोई वॉल है, इस तरह की कोई भी चीज है, तो उससे जब टकराव हो जाएगा तो उसको हम फिक्स ऑब्जेक्ट के साथ बोलेंगे. व्हाट कुड कॉज अ फोकलिफ्ट ट्रक टू ओवरटर्न. फोकलिफ्ट ट्रक के ऊपर हम पहले भी दो जगह एज अ एग्जांपल इसको डिस्कस कर चुके हैं, फोकलिफ्ट ट्रक को, कि क्या वजह हो सकती है ओवरटर्न की, इसके उलटने की. इधर भी हम उसको इसी तनाजर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी रीजंस हैं, क्या काज है, क्या वजूहात हैं जिस वजह से एक फोकलिफ्ट ट्रक जो है वो ओवरटर्न उलट जाता है. तो लॉस ऑफ कंट्रोल एंड ओवरटर्निंग. लॉस ऑफ कंट्रोल के हमारे काबू में ना रहे, और ओवरटर्निंग FLT जो है वो आपका उलट जाए. फैक्टर्स दैट कैन कॉज अ फोकलिफ्ट ट्रक टू ओवरटर्न. अब वो कौन कौन से अनासर हैं जो एक फोकलिफ्ट ट्रक के उलटने का सबब बन सकते हैं या उल्टने के उल्टा सकते हैं. तो उसमें नंबर वन, कॉर्नरिंग वाइल बीइंग ड्राइविंग टू फास्ट, के आप किसी भी जगह से, किनारे से, किसी मोड़ से मुड़ रहे हैं और उस दौरान आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, आपकी स्पीड इंतहाई तेज़ है जिसकी सूरत में उलट सकता है. अनइवन लोडिंग ऑफ द फोक्स, फोक के ऊपर लोडिंग अनइवन होने की वजह से. ड्राइविंग ओवर पोर्ट होल्स, गढ़ों वगैरह के ऊपर से आप जो है ड्राइव करते हैं जिसकी वजह से जंप आने की वजह से उसको झटका जर्क लगेगा, उस सूरत में उलट सकता है. ड्राइविंग विद द लोड, बहुत ज़्यादा लोड के साथ आप ड्राइव कर रहे हैं, वो ड्राइविंग विद द लोड एलिवेटेड स्पेशली कॉर्नरिंग, कि जब आप मोड़ काटते हुए और आपने लोड ज़रूरत से ज़्यादा एलिवेट सीधा करके रखा हुआ है जिसमें आपका जो बेसिकली आपकी जो सामने दिखाई देने की सलाहियत है वो नहीं रही है, आप सामने देख नहीं सकते हैं, तो आपके विजुअल्स क्लियर ना होने की वजह से आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और वो उलटने का खतरा है. अनइवन टायर प्रेशर नहीं चेक किया गया वो उसकी प्रॉपर, हालांकि उसको चेक होना चाहिए था. ड्राइविंग अक्रॉस अ स्लोप रेदर देन स्ट्रेट अप डाउन द फॉल लाइन. ये क्या होता है कि स्लोप जो है उसकी नीचे और ऊपर, अप एंड डाउन, ये उसका दुरुस्त तरीका है. आप अगर अक्रॉस जाते हैं कि स्लोप अपनी जगह पे मौजूद है, आप क्रॉस में जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अंडरस्टूड है जब एक तरफ से आपका फोकलिफ्ट ट्रक जो है अनइवन होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पर ओवरटर्निंग होगी.
एक्सेसिव ब्रेकिंग, जरूरत से ज्यादा बार बार ब्रेक, जिसके नतीजे में लोड गिर सकता है या आपका जो फोकलिफ्ट ट्रक है वो अपना कंट्रोल ना रखते हुए उलट सकता है। क्लोइन स्पेशली विथ कर्ब्स, क्लोइन टकराव वगैरह हो सकता है, कर्ब्स कर्ब जो है बेसिकली किनारों के साथ। तो अब फोकलिफ्ट ट्रक FLT जो है एक नॉर्मल व्हीकल है जो यूज होती है मोस्टली इंडस्ट्री के अंदर लोडिंग अनलोडिंग और लिफ्टिंग वगैरह के प्रोस्पेक्ट में। तो इस सूरत में वहाँ पे किनारों से टकरा जाने की सूरत में भी इसके उलटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फैक्टर्स दैट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलाइजन: ड्राइविंग टू फास्ट, इनएडिक्वेट लाइटिंग, रिवर्सिंग विदाउट द हेल्प ऑफ अ बैंक्समैन। अच्छा, ये बैंक्समैन कौन होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि हर व्हीकल के साथ उसको हेल्प आउट करने के लिए ऑपरेटर को एक आदमी मौजूद होता है जो सिग्नल्स देता है, जिसको हम सिग्नल मैन भी बोलते हैं और बैंक्स मैन भी बोलते हैं। उसका पर्पज ये होता है कि वो रिवर्सिंग ऑपरेशन में, या आपको रिवर्सिंग ऑपरेशंस हो गए लेफ्ट राइट एरिया क्लियर कराते हुए, जो गाइड करता है, जो बेसिकली हेल्प आउट करता है ऑपरेटर को या किसी भी व्हीकल के ड्राइवर को, तो उसको हम बैंक्स मैन बोलते हैं। तो उसकी मदद के बगैर अगर आप फोकलिफ्ट ट्रक को मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विजन क्लियर नहीं हो सकता, आप एट अ टाइम बैक और फ्रंट नहीं देख सकते, तो ऐसी सूरत में भी ये भी वजह बनती है। ब्लाइंड स्पॉट्स सच एज कॉर्नर्स एंड एंट्रेंसेस, ब्लाइंड स्पॉट्स वो होते हैं जिसमें आपको आगे से सामने से आने वाली ट्रैफिक का अंदाजा ना हो, ठीक है, या ऐसी एंट्रेंस जिस जगह पे आप जा रहे हैं अपनी नॉर्मल स्पीड में, लेकिन वो एंट्रेंस ऐसी है या एग्जिट ऐसा है या ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है कि जिसमें आप आगे से आने वाले व्हीकल को नहीं देख सकते। बैड वेदर कंडीशन, रेन वगैरह हुई हुई, ऑब्स्ट्रक्टेड विजिबिलिटी, वो उसी सूरत में ऑब्स्ट्रक्टेड विजिबिलिटी है कि लोड जो है वो एलिवेटेड उठा के फोकलिफ्ट ट्रक को ड्राइव किया जा रहा है। देन पुअर डिजाइन ऑफ पेडिस्ट्रियंस वॉकवेज एंड क्रॉसिंग पॉइंट्स, पुअर डिजाइन ऑफ पेडिस्ट्रियन वॉकवेज के जो पैदल चलने वाले हैं या उनके लिए जो क्रॉसिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, ठीक है, उनका प्रॉपरली डिजाइन नहीं है, प्रॉपरली पता नहीं चल रहा कि किस जगह से एक पैदल चलने वाले ने गुजरना है, एक वर्कर ने गुजरना है, व्हीकल्स ने गुजरना है। तो ऐसी सूरत में ये प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ व्हीकल मेंटेनेंस, साइलेंट ऑपरेशन ऑफ मशीनरी, किसी जगह पे मशीनरी या ऐसी चीज आपकी मूवमेंट जो हो रही है वो साइलेंट है, तो ऐसी सूरत में भी कोलिजन का अंदेशा मौजूद रहता है। अब अभी तक हमने उसके साथ जो चीजें डिस्कस की, फॉर एग्जाम्पल हमने इसमें ऊपर जो चीज़ें लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया, आवर टर्निंग हो गया, उसके अलावा हमने जो क्लोइन को डिस्कस किया वो उसके मूवमेंट के हैज़र्ड हैं, वो किसी भी व्हीकल के मूवमेंट के हैज़र्ड हैं कि जब तक चलेगी नहीं वो हैज़र्ड्स नहीं होंगे, ठीक है। जबकि अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अभी चली नहीं है, साकिन है, अपनी जगह पे मौजूद है, तो ऐसी सूरत में भी उसके हैजर्ड्स मौजूद हैं, नॉन मूवमेंट रिलेटेड हैजर्ड, ठीक है। इन हैजर्ड्स को हम बोलेंगे नॉन मूवमेंट रिलेटेड हैजर्ड्स। टिपिकल नॉन मूवमेंट रिलेटेड हैजर्ड्स अराइज फ्रॉम, अब वहां पे हमने तीन डिस्कस किए जो उसके मूवमेंट के साथ थे, क्या क्या थे? लॉस ऑफ कंट्रोल, उसके बाद क्लोइन था, क्लोइन से पहले हमारे पास उसके अंदर आता था आवर टर्निंग। अब हम देखते हैं टिपिकल नॉन मूवमेंट रिलेटेड हैजर्ड्स अराइज फ्रॉम लोडिंग, मैनुअल एंड मैकेनिकल, के लोडिंग की जा रही है ये भी हैजर्ड है, बेशक वो मशीन से की जा रही है मैकेनिकली किसी मजीद हेल्पिंग एड की मदद से, या मैनुअल बॉडीली फोर्स के ऊपर की जा रही है। ओवर लोडिंग एक्सीडिंग द सेफ वर्किंग लोड ऑफ द व्हीकल, ये आपको मालूम होगा कि हर व्हीकल का SWL होता है, सेफ वर्किंग लोड, ठीक है। जब आप उससे एक्सीड करेंगे तो जाहिर बात है जो आपकी व्हीकल है उसके ऊपर प्रेशर आएगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अनलोडिंग टिपिंग ऑपरेशंस, अनलोड करते हुए ये हो सकता है। सिक्योरिंग टू शीट अ लॉरी, टू शीट अ लॉरी ये होता है कि अक्सर आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो आपके बड़ी बड़ी व्हीकल्स होती हैं जो आपकी यूज होती हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में, तो उसमें आप अक्सर देखते हैं कि उनको शीट से कवर किया जाता है, तो बेसिकली वही शीट जो है उसको टू शीट अ लॉरी कह रहा है। तो उस दौरान यही होता है कि कहीं से फिसल गया वर्कर या इस तरह का प्रॉब्लम। कपलिंग अटैचिंग ट्रेलर्स, और यह आपने अक्सर देखा होगा कि
कि ट्रेलर जो होता है, बड़े बड़े आपने देखे होंगे कंटेनर वगैरह भी, ये ऐसा नहीं होता कि ये ट्रेले के ऊपर कई दफ़ा इनकी आपस में कपलिंग करवाई जाती है, तो उसके नतीजे में भी कई दफ़ा प्रॉब्लम आ सकती है। मेंटेनेंस फॉर वर्किंग एट हाइट, वो उसकी मेंटेनेंस आप कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हाइट पे कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वर्कर के गिरने का अंदेशा मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्क प्लेस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल मेजर। अब देखें, जनरल एआरकी की बात करें तो वो तीन ही है, एलिमिनेट द हैजर्ड, क्रिएट अ सेफ प्लेस, क्रिएट अ सेफ पर्सन। रिस्क असेसमेंट वैसी की वैसी है, सिर्फ हम क्या देखेंगे यहां पर, ये स्पेसिफिक हो जाएगी किसके बारे में, व्हीकल्स के बारे में। ठीक हो गया, रिस्क असेसमेंट आइडेंटिफाई द हैजर्ड, कौन से व्हीकल इंडस्ट्री के जो हैजर्ड्स हैं वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं। देन आइडेंटिफाई द ग्रुप्स एट रिस्क, पीपल जो लोग मुतासर हो सकते हैं, एवेल्युएट द रिस्क, रिकॉर्ड एंड इम्प्लीमेंट, और लास्ट वन हमारे पास आता है रिव्यू, जो कि रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट में हम किन किन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है तो व्हीकल की, ठीक हो गया, लेकिन व्हीकल जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो उसके, ठीक है समझ आ गई कि मूवमेंट के जितने हैं वो व्हीकल के डायरेक्टली हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी डायरेक्टली का इशू ये है, जो पहला आपका मूवमेंट का हैजर्ड है, लॉस ऑफ कंट्रोल, वो तो बेसिकली आपका एनवायरनमेंट फैक्टर हो सकता है, वो तो आपका ड्राइवर फैक्टर हो सकता है, वो आपका व्हीकल फैक्टर हो सकता है। तो इस वजह से ना मूवमेंट के या नॉन मूवमेंट ऑफ व्हीकल, दोनों किस्म के जो हैजर्ड्स हैं बेसिकली उसमें हमें तीन चीज़ों को लाजमन डिस्कस करना पड़ता है, और वो तीन चीज़ें क्या हैं, मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल रिस्क क्रिएटेड बाय व्हीकल ऑपरेशंस कैन बी ग्रुप्ड अंडर तीन चीज़ें, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट जिस तरह वो रहनी और इस तरह की चीज़ें थी, नंबर टू व्हीकल, और तीसरे नंबर पे आता है ड्राइवर के उसकी कॉम्पिटेंस, और ये सारी चीज़ें ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, कैसे वर्क प्लेस इन्वायरमेंट असरअंदाज हो सकता है, ठीक है, या हमने किस तरह से वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को इससे सिक्योर रखना है। नंबर वन, व्हीकल फ्री जोन, आप ऐसा एरिया बना दें जहाँ पे व्हीकल्स यूज ही ना हो, उनके लिए अलग से एरिया, पेडिस्ट्रियन फ्री जोन, फिर वो एरिया बना दें जहाँ पे व्हीकल्स चले पेडिस्ट्रियन ना हो, ट्रैफिक रूट लेआउट प्रॉपरली बनाओ, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ये है कि अलग करना, तो यहाँ पर दो बातें अलग होंगी, एक आपका व्हीकल जोन और एक आपका पेडिस्ट्रियन जोन। उसके बाद मार्क वॉकवेज एंड क्रॉसिंग्स, ठीक है जी, आप क्या करेंगे कि वॉकवेज को मार्क करेंगे कि ये पैदल चलने वालों के लिए है, ठीक है, ये जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह जिस तरह एक एग्जाम्पल है, सेपरेट एक्सेस पॉइंट कि जहां से व्हीकल दाखिल हो रही है वहीं से वर्कर ना दाखिल हो, वर्कर अलग दाखिल होगा, उसका उसके एंट्री रूट अलग होगा, जो आपका व्हीकल्स हैं उनका एंट्री रूट वगैरह अलग, स्पीड लिमिट्स होंगी कि जहाँ पे वर्किंग एरिया है जहाँ पे वर्कर्स मौजूद हैं तो ऐसी जगह पे स्पीड लिमिट्स लाजमन इम्पोज होंगी। नेक्स्ट, मेक व्हीकल मूवमेंट्स, मैनेज गुड विजिबिलिटी, साइनेज प्रॉपर साइनेज हो, जिस तरह लिखा होता है आप पार्किंग वगैरह में 10, 30 आप सर्कल में दे, उसका मतलब ये होता है कि इतनी स्पीड से ऊपर आप इसके अंदर नहीं चला सकते, तो प्रॉपर इसके अलावा भी साइनेज हो गई, ये पेडिस्ट्रियंस हैं, वॉकवे है, ये व्हीकल वॉकवे है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी। वेल लिट मेंटेन रोड्स पाथवे, जो रस्ते हैं वो बाकायदा अच्छे तरीके से रोशन होने चाहिए, अवॉइड ग्रेडियंट्स, ठीक हो गया, बैरियर्स एंड चेंजेस इन लेवल्स, एग्जाम्पल लोडिंग डॉक्स, अब बैरियर वगैरह आप लगा देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसी जगह पर अनइवन सरफेस आ रही है, तो आप अपना कंट्रोल उसके मुताबिक करेंगे। अच्छा जी, ग्रुप एक्सरसाइज है, ये बेहतर यही होगा कि अगर आप ये करके मुझे ईमेल कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, ग्रुप एक्सरसाइज है क्या, तो व्हाट कंट्रोल्स कुड रिड्यूस द रिस्क इन एरियाज वेयर व्हीकल्स आर रिवर्सिंग। अब वो कौन से कंट्रोल मेजर्स हैं जो रिस्क को रिड्यूस करेंगे, कहाँ पे, व्हीकल्स यहाँ पर रिवर्स हो रही होंगी। अच्छा जी, अब वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, साइट रूल्स फॉर सेफ व्हीकल पार्किंग ऑफ अ फोकलिफ्ट ट्रक। नंबर वन, अप्लाई द हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक अप्लाई करें ताकि वो आपकी नॉर्मल मूवमेंट उसकी या उसकी एक्सीडेंटल मूवमेंट जो है वो ना हो। लोअर द फोक्स एंड टिप द मास फॉरवर्ड, अब वो क्या है, फोक को आप नीचे उतार देंगे और फॉरवर्ड कर देंगे मास को, ताकि वो किसी को साथ टकराए ना, किसी के साथ लगे ना। रिमूव द की, ताकि वो कोई भी अनऑथराइज पर्सन वगैरह उसको चलाने की कोशिश वगैरह ना करे। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट अ ट्रैफिक रूट, और उसको ट्रैफिक रूट में आपने खड़ा नहीं करना बल्कि अलग से साइड पर खड़े करना है। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट अ पेडिस्ट्रियन रूट,
अपना ट्रैफिक रूट के बाद वो पैदल चलने वालों के रास्ते में भी ना आए। डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एमरजेंसी एस्केप रूट, और किसी ऐसी जगह पे भी ना खड़ी हो कि जिस जगह पे एक रास्ता है, एक एमरजेंसी एग्जिट हमने बनाया हुआ है, अगर उसके सामने खड़ा होगा तो माइट बी पॉसिबिलिटी एमरजेंसी की सूरत में वहां से एवैक्यूएशन पॉसिबल ना हो। कंट्रोल में यस रिड्यूस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम रिवर्सिंग व्हीकल्स, ये जो अभी डिस्कशन की थी वही आगे आ गया। अवॉइड रिवर्सिंग बाय यूजिंग वन वे सिस्टम, ठीक है, जिधर वन वे है, अगर आप वन वे सिस्टम कर देंगे ना कि सिर्फ सीधा जा सकता है और दूसरी तरफ से वापस आ सकता है, तो ऐसी सूरत में रिवर्सिंग जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी। जब वन वे सिस्टम आ जाता है तो फिर उसमें रिवर्सिंग के ऊपर हम कंट्रोल कर लेते हैं। सेग्रीगेट पेडेस्ट्रियंस एंड व्हीकल, ठीक हो गया, और बेसिकली एरियाज होंगे। गुड विजिबिलिटी फ्रॉम व्हीकल, रिवर्सिंग अलार्म्स एंड बीकन्स, अलार्म्स तो आवाज होती है और बीकन्स आपको पता है ये फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं जो मतवज्जे करते हैं आपकी तरफ, एज ए इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं कि बीप्स देते रहते हैं जिसे पता चलता है कि लेफ्ट या राइट हो रहा है, तो वो आपका लाजमी वहां पर मौजूद हो। मिरर्स टू रिड्यूस ब्लाइंड स्पॉट्स, और अक्सर जगहों पर आपने देखा खासकर वो जगह जिनमें आपके जो कॉर्नर्स होते हैं डेड कॉर्नर्स होते हैं या आपके जो आपकी ऐसी रोड के ऊपर ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ऐसी जगह पर मिरर्स लगाए जाते हैं ताकि उसका दूसरी तरफ से आने वाली जो आपकी व्हीकल है उसका मालूम हो सके कि दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है, तो उसमें कंट्रोल में और क्रॉसिंग में आपको मदद मिल सके। हाई विजिबिलिटी क्लॉथिंग, ये ज़्यादातर नाइट टाइम में होगी ताकि पहले से पता चल जाए कि आप ड्राइव कर रहे हैं व्हीकल, और पता हो कि नीचे वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। गुड लाइटिंग, बैंक्स मैन जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस किया, जिसको हम सिग्नल मैन भी बोलते हैं। ट्रेनिंग फॉर ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियंस। सेफ व्हीकल्स, अब पहले हमने वर्क एनवायरमेंट को डिस्कस किया, अब सेफ व्हीकल्स कि हम गाड़ियों को से जो वहां पे इस्तेमाल होंगी उनको कैसे महफूज बना सकते हैं और अपना काम। सूटेबल फॉर देयर इंटेंडेड यूज, वही जिनका जो मकसद है वो उसी मकसद के लिए मुनासिब हो, उसी मकसद के लिए काम आए। सूटेबल फॉर द एनवायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ यूज, मेंटेन्ड इन सेफ वर्किंग ऑर्डर, ओनली ड्रिवन बाय ट्रेंड क्वालिफाइड स्टाफ, इंस्पेक्टेड रूटीनली बिफोर यूज। और इंस्पेक्शन के बारे में हम बड़ी डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इंस्पेक्शन की फ्रिक्वेंसी क्या है, इंस्पेक्शन किस किस चीज की होती है, इंस्पेक्शन कब कब करनी है, ये तमाम तर चीज़ें हम पहले बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर लेक्चर ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेफ व्हीकल में आता है कि अब क्या क्या हम करेंगे। सीट फॉर द ड्राइवर एंड एनी पैसेंजर्स, अगर व्हीकल ऐसी है आपकी, वर्क व्हीकल ऐसी है तो ड्राइवर के लिए तो सीट होना मस्ट है, लेकिन अगर एक बैंक्स मैन या इस तरह उसको कैरी करना पड़ता है तो फिर उसके लिए भी सीट मौजूद हो। नेक्स्ट, सीट बेल्ट लाजमी हो, ये तो एक स्टैंडर्ड आपकी जो है रिक्वायरमेंट है। आगे आती है रोल बार और रोल केज। रोल बार रोल केज क्या होता है कि बेसिकली जो आपका ऑपरेटर जिस केबन के अंदर मौजूद होता है ड्राइविंग केबन के अंदर, तो उसके अंदर एक जो है ना केज बना दी जाती है, आयरन बार्स या किसी भी ऐसी चीज से, सख्त किस्म की चीज से, हार्ड चीज से, कि जो जो इतनी आसानी से एक्सीडेंट की सूरत में कोलैप्स ना करे, मतलब पिचके ना कि उसके अंदर मौजूद लोग प्रेस हो जाएं। तो बेसिकली रोल बार रोल केज का पर्पज ये होता है कि अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है तो ऐसी सूरत में वहां पर आपने करना क्या है कि आपने उस रोल बार या रोल केज जब वहां पर मौजूद होगी तो एक्सीडेंट की सूरत में बाकी चीज अगर मुतासर भी होती है व्हीकल, तो वो रोल बार या रोल केज जो है वो ड्राइवर को जो है वो महफूज रख सकेगी। गार्ड टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर इन द इवेंट ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, हॉर्न मौजूद हो कंपल्सरी है। मिरर्स आर कैमराज टू एड विजन, ठीक हो गया। ऑडिबल रिवर्सिंग अलार्म जिससे मैं पहले डिस्कस, बीकन और फ्लैशिंग लाइट जिससे मालूम हो जाएगा कि आपके जो व्हीकल है वो रिवर्स हो रही है या आगे चल रही है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के बाद जिस जगह पे व्हीकल्स ने मूवमेंट करनी है, पेडेस्ट्रियन ने मूवमेंट करनी है, तो उसके बाद हमने इसके अंदर डिस्कस किया सेफ व्हीकल। सेफ व्हीकल के बाद अब तीसरी चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेफ ड्राइवर्स, कि अब हम मेक श्योर कैसे करेंगे कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो सेफ हों, ठीक है, वो हमें उस जगह पे काम की जगह पर महफूज तरीके से ड्राइविंग करें।
ड्राइवर शुड बी कॉम्पिटेंट टू ड्राइव द व्हीकल। और इसमें आपने ख्याल करना है, कॉम्पिटेंस यही है कि जिस तरह की व्हीकल है उसी तरह का आपको ऑपरेटर रिक्वायर्ड है। मेकशिफ्ट लोगों से आप एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करवाएंगे, ये चीजें ड्राइव नहीं करवाएंगे। मेडिकली फिट टू ड्राइव, ठीक हो गया। प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज्ड। नेक्स्ट, अभी हमारा आज का टॉपिक था सेफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस इन द वर्क प्लेस। हमने बड़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया। बहुत जल्द इसके अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।